हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल श्री बालाजी टेक। सो फ्रेंड्स, एसएससी कांस्टेबल जीडी का जो फॉर्म है वो आ चुका है। इसके बारे में मुझे भी पता नहीं था, लेकिन आप लोगों का मैसेज आया कि इसका जो सिलेबस है वो क्या है, क्योंकि इसमें इस बार जो इसका पैटर्न वो चेंज हो चुका है। इसमें इस बार आप हिंदी मीडियम से भी दे सकते हैं, इंग्लिश से भी दे सकते हैं। यदि आपको इंग्लिश नहीं आती है तो आप हिंदी से दे सकते हैं। आपको इंग्लिश लैंग्वेज वहाँ पे नहीं पूछे जाएंगे, उसके जो क्वेश्चन है वो नहीं पूछे जाएंगे, और जो इसके पैटर्न वो भी चेंज हुए हैं। सो गाइस, चलिए हम इसके बारे में आपको डिटेल में बताते हैं, इसकी लास्ट डेट क्या है, इसमें क्या क्या चेंजेस हैं, इसका क्या पैटर्न इस बार रहने वाला है, और इसका सिलेबस क्या होने वाला है। तो फ्रेंड्स, मैं हूं रतन राज, और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल श्री बालाजी टेक में। सो फ्रेंड्स, चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको हमारी सारी वीडियो लेटेस्ट अपडेट समय पर मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, पहले अपने गूगल क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेते हैं। चलिए गाइस, हम अपने गूगल क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेते हैं। फ्रेंड्स, जैसे हमारा गूगल क्रोम ब्राउजर ओपन होता है, हमको यहाँ पर सर्च करना है www.sarkaririzult.com। फ्रेंड, जैसे हम इसको यहाँ पे सर्च करते हैं, देखिए यहाँ एक नया पेज ओपन हो जाएगा। गाइस, जैसे यहाँ पे नया पेज ओपन होगा, हम स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे आते हैं। फ्रेंड, जैसे हम स्क्रॉल करके नीचे आते हैं, देखिए यहाँ पे हमको सबसे ऊपर मिल जाएगा एसएससी कांस्टेबल जीडी अप्लाई ऑनलाइन। सो गाइस, हम इस पे क्लिक कर देते हैं और आपको इसके बारे में पूरा डिटेल में बताते हैं। सो फ्रेंड, जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं, देखिए यहाँ पे जो पेज इसका है ओपन हो रहा है। गाइस, जैसे इसका पेज ओपन होता है, चलिए हम इसके बारे में डिटेल में आपको पूरा इन्फॉर्मेशन देते हैं। सो गाइस, हम स्क्रॉल करके नीचे आते हैं, देखिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट देख लेते हैं, इसकी फीस क्या है, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। सो गाइस, जो इसका एप्लीकेशन है 27/10/2022 से शुरू हो चुका है, और जो इसका लास्ट डेट है 30/11/2022 तक रहने वाला है। और गाइस, जो इसका फीस रहने वाला है, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए ₹100 और एससी एसटी के लिए ₹0, और जो जितने भी फीमेल कैटेगरी के लोग हैं उनका भी ₹0 यहाँ पे लगने वाला है। और यहाँ देखिए, जो पे एग्जामिनेशन फीस का लास्ट डेट है 1/12/2022 है। और गाइस, जिसका सीबीटी एग्जाम है, मतलब जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, वो January 2023 में होने वाला है। और एडमिट कार्ड बहुत ही जल्द यहाँ क्या होगा, रिलीज हो जाएगा, बिफोर दी एग्जाम यहाँ पे ये रिलीज कर दिया जाएगा। और गाइस, जो इसमें मिनिमम एज है वो 18 है, जो मैक्सिमम एज है वो 23 साल की है। और उसके बाद यहाँ जो एज रिलैक्सेशन होगा, जो एसएससी का जो जीटी कांस्टेबल का जो रूल हो उसके हिसाब से वहाँ पे दिया जाएगा, जो नीचे नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। चलिए गाइस, हम स्क्रॉल करके नीचे आते हैं, और इसके बारे में देखिए यहाँ जितने भी पोस्ट हैं इसमें दिए हैं, टोटल पोस्ट इसमें कितने हैं, बीएसएफ में 10,497 पोस्ट हैं, और जो इसकी क्वालिफिकेशन वो हाई स्कूल मांगा गया है। और देखिए यहाँ जितने भी पोस्ट हैं इस प्रकार से यहाँ पे दिए गए हैं। सो गाइस, चलिए हम स्क्रॉल करके नीचे आते हैं, आप अपने हिसाब से पोस्ट देख लीजिएगा। और गाइस, जैसे हम नीचे आते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ जो फिजिकल एबिलिटी है इसमें कुछ मांगा गया है, जैसे जितने भी मेल कैटेगरी के लोग होंगे, चाहे जनरल होंगे, चाहे ओबीसी होंगे, चाहे एससी होंगे, उनकी जो हाइट होगी 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और जो उनका चेस्ट है वो 80-85 सेंटीमीटर होना चाहिए, और जो उनकी रनिंग है वो 5 किलोमीटर 24 मिनट में यहाँ पे मांगी गई है। और यहाँ जो एस्टिक मेल है उनका 162.5 सेंटीमीटर हाइट मांगा गया है, और जो उनका चेस्ट है 76-80 सेंटीमीटर यहाँ पे मांगा गया है, और जो उनका रनिंग है वो सेम है 5 किलोमीटर 24 मिनट में उनको भी रन करना है। और जो फीमेल कैंडिडेट है उनके लिए 157 सेंटीमीटर उनकी हाइट है, उनका चेस्ट यहाँ कुछ नहीं मांगा गया है, और जो इनका फीमेल एसटी की फीमेल्स है उनकी 150 सेंटीमीटर यहाँ पे हाइट मांगा गया है। और इन दोनों की रनिंग यहाँ पे दी हुई है 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट, इन दोनों का सेम दिया गया है। अब चलिए हम इसके जो सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। सो गाइस, हम जैसे स्क्रॉल करके नीचे आते हैं, देखिए हमको एक ऑप्शन यहाँ पे मिल रहा होगा डाउनलोड सिलेबस। सो गाइस, हम इससे जो सिलेबस उसको डाउनलोड कर लेते हैं, और उसके बाद हम आपको इसको रीड करके बताते हैं इसमें क्या क्या मांगा गया है, क्या क्या आपका सिलेबस होने वाला है। सो गाइस, जैसे हम इसका सिलेबस डाउनलोड करते हैं, देखिए जो एग्जाम का पैटर्न है यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि जो पहले एग्जाम होते थे उसमें 100 क्वेश्चन होते 60 मिनट में, इस समय इसमें केवल 80 क्वेश्चन होंगे 60 मिनट में। पहले यहाँ पे आपको ये फायदा मिलने वाला है, जैसे देखिए यहाँ पे आपको 20 नंबर जो रीजनिंग हो वो होगा, और जो जनरल नॉलेज हो वो भी आपका 20 नंबर का होगा, इसमें जनरल अवेयरनेस भी होगा, और जो मैथमेटिक्स होगी आपको वो भी 20 नंबर की होगी। और जो यहाँ देखिए इंग्लिश और हिंदी, यहाँ देखिए इसमें स्लैश करके दिया हुआ है, यदि आप इंग्लिश से जाते हैं तो भी आपके 20 क्वेश्चन आने वाले हैं, यदि आप हिंदी से अप्लाई करते हैं तो भी आपको 20 क्वेश्चन यहाँ पे आने वाले हैं। और देखिए यहाँ जो मैक्सिमम मार्क होंगे यहाँ पर क्वेश्चन 2 मार्क आपको मिलने वाले हैं, क्योंकि 20 क्वेश्चन में आपको 40 मार्क्स मिलने वाले हैं।
सो गाइज आई थिंक आप सबको यहाँ जो सिलेबस वो अच्छे समझ में आ गया होगा। यदि आपको और डिटेल में जानना होगा तो आपको सिंपली कॉल करके नीचे आना होगा, जैसे हम बताएं आपको बिल्कुल उसी प्रकार से डाउनलोड करना होगा। उसके बाद जैसे आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, देखिए यहाँ पे रीजनिंग के जो सिलेबस वो पूरा दिया हुआ है, इसी प्रकार से यहाँ पे जीएस और जीके का भी सिलेबस दिया हुआ है और नीचे मैथ का भी सिलेबस यहाँ पे दिया हुआ है। सो गाइस आप बिल्कुल इसी प्रकार से यहाँ पे देख सकते हैं। और देखिए जो हिंदी और इंग्लिश का उसका भी सिलेबस यहाँ पे दिया हुआ है, और देखिए जो इसका हिंदी इंग्लिश सिलेबस उसके बारे में यहाँ पे दिखाया गया है। इसमें कुछ ज्यादा आपसे पूछा नहीं जाएगा जैसे इसमें दिया हुआ है। सो गाइस आई होप आप सबके वीडियो काफी अच्छे लगे होंगे। फ्रेंड्स वीडियो आपको कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और ऐसी अमेजिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए फ्रेंड्स हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।